ये कहानी एक मर्डर मिस्ट्री केस है जो एक सीक्रेट सर्विस एजेंट गैरिसन के ऊपर है कि वो अपने आप को इसमें कैसे बेकसूर साबित करता है और उस खूनी को कैसे पकड़ता है। इस मूवी को क्लार्क जॉनसन नाम के एक फेमस डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया है, इसीलिए समय को ना गवाते हुए चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस क्राइम थ्रिलर के रोलर कोस्टर को। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द सेंटिनल। कहानी की शुरुआत में हमें एक सीक्रेट सर्विस एजेंट पीट गैरिसन को दिखाया जाता है जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट की वाइफ यानी कि फर्स्ट लेडी ऑफ अमेरिका जिनका नाम सैरा है उनका पर्सनल बॉडीगार्ड है। गैरिसन व्हाइट हाउस में सबसे पुराने और एक्सपीरियंस्ड एजेंट्स में से एक है जिसने एक बार तो प्रेसिडेंट को बचाते हुए अपने सीने पर गोली भी खाई है। अब वो रोज की तरह ही अपना सूट पहनकर व्हाइट हाउस के लिए निकल जाता है। गैरिसन को व्हाइट हाउस में लगभग सभी लोग जानते हैं और उसको हेलो करते हैं। तभी एजेंट चार्ली गैरिसन से अकेले में कुछ बात करने को कहता है। चार्ली उसका बहुत अच्छा दोस्त है जिस पर गैरिसन उससे कहता है कि अभी बोल दो, बाद में शायद बिजी रहूं। उन दोनों के आसपास काफी एजेंट्स होते हैं जिनको देखते हुए चार्ली गैरिसन से अकेले में मिलने को कहकर चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि आज प्रेसिडेंट और उनकी वाइफ लेडी सैरा को एक स्कूल में बच्चों के साथ समय बिताने जाना है जिसके लिए सारे एजेंट्स व्हाइट हाउस से उस स्कूल तक की सारे सिक्योरिटी चेक कर लेते हैं। उधर ही हम प्रेसिडेंट के सिक्योरिटी के हेड एजेंट मॉन्ट्रोस को देखते हैं जो इस व्हाइट हाउस में एक सीनियर एजेंट है, पर गैरिसन भी प्रेसिडेंट और लेडी सैरा के साथ उनकी सिक्योरिटी के लिए जाता है। स्कूल के चारों तरफ प्रेसिडेंट और लेडी सैरा को देखने के लिए काफी भीड़ इकट्ठा हुई होती है जहां पर गैरिसन को एक आदमी पर शक हो जाता है, इसीलिए वो उसको उठवा लेता है। इसी बीच हमको मारियन नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो सीक्रेट सर्विस की जॉब का इंटरव्यू देने सीक्रेट सर्विस के एजेंट डेविड के पास आती है। डेविड के अंदर एक माहिर सीक्रेट सर्विस एजेंट होने के साथ साथ एक अच्छे डिटेक्टिव की क्वालिटीज भी हैं। वो मारियन से कहता है कि वो अपने इंटरव्यू के लिए लेट है, जिस पर वो सॉरी कहती है, पर इसके बावजूद भी डेविड मारियन को यहाँ पर जॉब पर रख लेता है। उधर स्कूल में बच्चों के साथ वक्त बिताने के बाद प्रेसिडेंट वापस व्हाइट हाउस जाने लगते हैं, पर लेडी सैरा अपने बीच हाउस जाने को कहती है। इसी बीच हमें एजेंट चार्ली को दिखाया जाता है जो अपने घर सामान लेकर जा रहा होता है कि तभी एक असैसिन आकर उसको गोली मार देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। इस बात की खबर एजेंट डेविड तक पहुंच जाती है, इसीलिए इस केस की तहकीकात करने एजेंट डेविड ही आते हैं। वो अपने साथ मारिन को भी लाते हैं। यहाँ के पुलिस वाले इस केस को नॉर्मल चोरी और खून का केस कहते हैं, लेकिन एजेंट डेविड तहकीकात करने के बाद इसको एक सोचा समझा प्लान मर्डर कहते हैं। वो पुलिस वालों को बताते हैं कि एक सीक्रेट सर्विस एजेंट अपनी लाइफ में जब भी अपनी गन निकालता है जब उसको पता हो कि सामने वाला उसको मारने आया है। और हम देख ही सकते हैं कि चार्ली ने मरने से पहले हमला करने के लिए अपनी गन को बाहर निकाला था। वहीं दूसरी ओर लेडी सैरा अपने बीच हाउस पर होती है जहां उनकी रक्षा के लिए उनके साथ बहुत सारे एजेंट्स हैं। गैरिसन भी वहां पर मौजूद है। गैरिसन एजेंट टॉम को बाहर सब कुछ चेक करने को कहता है और खुद लेडी सैरा के रूम में चले जाता है। वो वहां की सारी खिड़कियां और दरवाजों को बंद कर देता है ताकि कोई उसको देख ना पाए। यहां पर हमको पता चलता है कि गैरिसन का लेडी सैरा के साथ अफेयर चल रहा है। ये दोनों आपस में प्यार करते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं। तभी उसके पास एजेंट टॉम का कॉल आता है। वो उसको फौरन नीचे आने को कहता है। गैरिसन भी चुपके से लेडी सैरा के रूम से निकलता है और नीचे चला जाता है जहां उसको चार्ली की मौत की खबर का पता चलता है कि उनकी किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी। ये सुनकर गैरिसन बहुत दुखी होता है क्योंकि चार्ली उसका बहुत अच्छा दोस्त था। वो फौरन चार्ली के घर पर जाता है जिधर एजेंट डेविड चार्ली की वाइफ से पूछताछ कर रहे हैं, जिस पर चार्ली की वाइफ बताती है कि वो कुछ दिनों से किसी बात को लेकर बहुत परेशान थे। तभी वहाँ पर गैरिसन भी आ जाता है जिसे देखकर डेविड तमीज से बात ही नहीं करता है, जिस पर गैरिसन उसका कॉलर पकड़ लेता है। वो कहता है कि ड्यूटी पर मुझसे तमीज में बात किया करो और चाहे जो भी करना पड़े उस कातिल को ढूंढो। यहाँ इन दोनों की बातों से हमको पता चलता है कि गैरिसन और डेविड पहले काफी अच्छे दोस्त थे पर अब नहीं है। गैरिसन चार्ली की वाइफ को दिलासा देकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद गैरिसन अपने खुफिया खबरे से मिलने जाता है जो बहुत पहले से उसके लिए काम करता है। गैरिसन उससे पूछता है कि क्या तुम्हें चार्ली के खून के बारे में कुछ पता है, जिस पर वो खबरी उसको बताता है कि वो खून कोई मामूली खून नहीं था, शायद तुम्हारे दोस्त चार्ली को कुछ बहुत ही खास पता चल गया था। गैरिसन उससे कहता है कि उसको ऐसा क्या पता चल गया था जिसके लिए उसको मार दिया गया।
जिस पर खबरी कहता है कि उसको ये पता चल चुका था कि व्हाइट हाउस की सीक्रेट सर्विस यानी तुम्हारे बीच कोई गद्दार है जो प्रेसिडेंट को मारने की साजिश में कुछ लोगों के साथ है। ये बात सुनकर गैरिसन को यकीन नहीं होता और वो खबरी से उस गद्दार का नाम मांगता है, जिस पर खबरी नाम बताने के 10 लाख रुपए मांगता है और वहां से चला जाता है। गैरिसन व्हाइट हाउस जाकर ये सभी बातें बड़े बड़े एजेंट्स को बता देता है, जिसका कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि वो सभी लोग एक दूसरे पर शक करने लगते हैं। वो चार्ली के मर्डर केस को प्रेसिडेंट को मारने की साजिश से जोड़ देते हैं, जिसका मतलब ये है कि अब उस खूनी को पकड़ना बहुत जरूरी है क्योंकि अब ये केस प्रेसिडेंट की सुरक्षा से जुड़ा है। इसीलिए एक सीनियर एजेंट इस केस को लेकर डेविड के पास जाते हैं। वो डेविड से कहता है कि अब तुमको ये केस बहुत बारीकी से सॉल्व करना होगा और जितना जल्दी हो सके उस खूनी को पकड़ना होगा। एजेंट मॉन्ट्रोज प्रेसिडेंट को ये सारी बात जाकर बताते हैं। वो कहते हैं कि आप कुछ समय के लिए बाहर मत जाइए, जिस पर प्रेसिडेंट कहते हैं कि मैं अपना काम करता रहूंगा, ये तुम पर है कि तुम मेरी सुरक्षा कैसे करते हो। इसीलिए मॉन्ट्रोज प्रेसिडेंट को सभी मीटिंग में उल्टे सीधे रास्तों से लेकर जाते हैं। वो उनके सभी आने जाने वाले रास्तों का फैसला एक सिक्के को उल्टा कर करते हैं। इसी दौरान व्हाइट हाउस के अंदर सभी ऑफिसर्स और एजेंट्स का लाई डिटेक्टर टेस्ट होता है, जिसे सबको करवाना ही पड़ेगा वरना वो व्हाइट हाउस में नहीं आ सकते। सभी बारी बारी से अपना टेस्ट करवा रहे हैं। तभी गैरिसन को अपने डेस्क पर एक एनवेलप मिलता है जिसके अंदर कुछ फोटोज होती हैं। जिन फोटोज को देखकर एजेंट गैरिसन बहुत ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि उन फोटोज में वो और लेडी सैरा साथ में किस कर रहे हैं। उस एनवेलप पर एक कॉफी शॉप का नाम लिखा है जहां गैरिसन को कल पहुंचना होगा। इसके बाद मॉन्ट्रोस गैरिसन को टेस्ट करवाने को कहता है। वो उस टेस्ट को करवाने से घबरा रहा है क्योंकि उसको ये डर है कि कहीं लाइट डिटेक्टर टेस्ट से लेडी सैरा और उसके अफेयर का किसी को पता ना चल जाए। टेस्ट के दौरान उससे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें से एक सवाल ये होता है कि क्या उसने पिछले 6 महीनों में किसी नेशनल नियम को तोड़ा है, जिस पर गैरिसन मना कर देता है। पर यहाँ उसने ना चाहते हुए भी झूठ बोल दिया क्योंकि प्रेसिडेंट की वाइफ के साथ अफेयर चलाना एक नेशनल प्रोटोकॉल तोड़ना है। इस टेस्ट का रिजल्ट उन्हें कुछ दिनों में पता चल जाएगा। इसके बाद गैरिसन लेडी सैरा के पास उन फोटोज को लेकर जाता है और उनसे कहता है कि इसमें भी शायद उसी गद्दार का हाथ है जिसे हम सब ढूंढ रहे हैं। वो हमें ब्लैकमेल करना चाहता है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं इस खबर को बाहर नहीं आने दूंगा। ये जो भी है इसने मुझे कल कॉफी शॉप में मिलने बुलाया है, मैं इसको वहीं पकड़ लूंगा। अगले दिन गैरिसन उस आदमी से कॉफी शॉप पर मिलने जाता है, पर वहां पर कोई भी नहीं होता। तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है जो उसका पीछा कर रहा है। वो उसको चकमा देकर एक पार्किंग स्टेशन में चला जाता है और तभी चारों तरफ से पुलिस वाले गाड़ियों से आकर गैरिसन पर गन तान देते हैं और उसको घेर लेते हैं। वो उससे कहते हैं कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है और किससे मिलने आया है, जिस पर गैरिसन उनको बताता है कि वो एक सीक्रेट सर्विस एजेंट है और यहाँ सिर्फ कॉफी पीने आया था। ये सुनकर पुलिस वाले गैरिसन को ये कहकर छोड़ देते हैं कि उन्हें कोई गलतफहमी हो गई थी। उधर व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट को लेडी सैरा के साथ एक सम्मेलन में भेजने की तैयारियां हो रही होती हैं। गैरिसन भी वहां पर मौजूद होता है, जिसके बाद प्रेसिडेंट और लेडी सैरा के साथ गैरिसन भी हेलीकॉप्टर में उनके साथ जाता है। वहां पहुंचकर गैरिसन के साथ डेविड मॉन्ट्रोज और बाकी के सभी एजेंट्स भी होते हैं। इतने में गैरिसन के पास उसके खबरी का कॉल आता है, जिसको डेविड और मॉन्ट्रोज ट्रैक करने लगते हैं। वो खबरी गैरिसन से 10 लाख रुपए लेकर मॉल में अकेले आने को कहता है, जिसके बाद वो उस गद्दार की फाइल उसको दे देगा। गैरिसन इस डील के लिए मान जाता है। सीनियर एजेंट गैरिसन को मॉल में अकेले जाने नहीं देते, वो उसके साथ डेविड को भेजते हैं। डेविड मॉल में जाकर छुप जाता है। गैरिसन पैसों से भरा बैग लेकर वहां पहुंच जाता है। तभी हम वहां पर उस असैसिन को बंदूक के साथ देखते हैं, जिसने चार्ली का खून किया है। गैरिसन को खबरी और उस असैसिन पर शक हो जाता है, इसीलिए वो उस खबरी के पास जाकर नहीं बैठता। इतने में ही वो असैसिन एक एजेंट को गोली मार देता है, जिससे पूरे मॉल में भगदड़ मच जाती है। गैरिसन बैकअप के लिए डेविड और मारिन को बुलाता है और खुद भी उस पर गोलियां चलाने लगता है। वो असैसिन बहुत तेज होता है और गैरिसन को बाहर निकलने का मौका ही नहीं देता। इसी बीच मॉल को चारों तरफ से पुलिस वाले घेर लेते हैं, पर असैसिन बड़ी चालाकी से अपना हुलिया बदलकर वहां से निकल जाता है। डेविड गैरिसन के पास आकर पूछता है कि ये तुम्हारा खबरी तुम्हें मरवाना क्यों चाहता है। जबकि उधर सम्मेलन खत्म होने पर मॉन्ट्रोस सिक्का उछालकर ये फैसला करता है कि प्रेसिडेंट को हेलीकॉप्टर से जाना चाहिए या फिर कार से, जिसके बाद हम देखते हैं कि हेलीकॉप्टर जाने के लिए उड़ान भर देता है और तभी अचानक से एक मिसाइल आकर उसको उड़ा देती है। सभी को लगता है कि प्रेसिडेंट और लेडी सैरा मारे गए, लेकिन सच्चाई तो ये थी कि आज वो कार से जाने वाले थे।
उधर हम उस असैसिन को देखते हैं जिसका बॉस उसको कॉल करके कहता है कि तुमने अभी तक अपना काम नहीं किया है, प्रेसिडेंट अभी भी जिंदा है, हमें उनको जल्द ही मारना होगा। उधर रात में गैरिसन थक हार कर अपने घर आ जाता है कि तभी डेविड उसके घर कुछ एजेंट्स के साथ पहुंचता है और उसको प्रेसिडेंट के खून की साजिश और गद्दारी के लिए पकड़ने लगता है। इन सभी आरोपों को सुनकर गैरिसन शॉक्ड रह जाता है। वो उसे कहता है कि डेविड तुम गलत समझ रहे हो, मैं वो गद्दार नहीं हूँ। जिस पर डेविड उसको बताता है कि तुम्हारा लाइ डिटेक्टर टेस्ट आ चुका है जिसमें तुमने झूठ बोला है और कल तुम उस कॉफी शॉप में क्या कर रहे थे जो कोलंबियन कार्टल की मीटिंग की जगह थी। कोलंबियन कार्टल एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कई सारे ड्रग लॉर्ड से मिलकर बनी है। जिस पर गैरिसन कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, मैं सिर्फ वहाँ पर कॉफी पीने गया था। असल में गैरिसन यहाँ बेकसूर है, वो लाई डिटेक्टर टेस्ट में सिर्फ लेडी सहरा के साथ अपना अफेयर छुपाने की वजह से फेल हुआ है और वो उस कॉफी शॉप पर भी उन फोटोज की वजह से गया था। गैरिसन डेविड से कहता है कि उसको फंसाया जा रहा है, असली गद्दार और खूनी कोई और है। पर डेविड और बाकी के एजेंट्स उसकी एक नहीं सुनते, जिसकी वजह से अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए गैरिसन उन एजेंट्स को पीट कर वहां से भाग जाता है। डेविड उसके पीछे पूरे शहर की पुलिस लगा देता है और सबको इस बारे में इन्फॉर्म कर दिया जाता है। ये सब होने के बाद गैरिसन लेडी सहरा से मिलने एक रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ पर कई सारे एजेंट्स भी होते हैं। वो बहुत ही चालाकी से उनको चकमा देकर लेडी सहरा से मिलता है। वो उनको बताता है कि वो गद्दार नहीं है, उसको फंसाने की कोशिश की जा रही है, जिस पर सहरा ये बात समझ जाती है। गैरिसन कहता है कि मुझे जल्द ही कुछ करना होगा वरना वो लोग मुझे गद्दार समझकर मार डालेंगे। तभी गैरिसन को वहां से भागना पड़ता है क्योंकि डेविड को पता चल जाता है कि गैरिसन लेडी सहरा से मिलने आया है। उसी रात गैरिसन इस जगह से काफी दूर चला जाता है और अगले सुबह एक कैफे शॉप से व्हाइट हाउस के सीक्रेट सर्विस डेटा में घुसकर उस खबरी का पता निकाल लेता है। इस चीज का पता डेविड को भी चल जाता है, इसीलिए वो भी उसकी लोकेशन ट्रैक कर लेता है। गैरिसन उस खबरी की लोकेशन पर पहुंच जाता है। वो उस घर के अंदर जाकर देखता है जहां पर उसको खबरी मरा हुआ मिलता है। गैरिसन समझ जाता है कि इसके पीछे कोई बड़ा आदमी है। इतने में ही वहां पर अपनी टीम के साथ डेविड पहुंच जाता है, जिसको देखकर गैरिसन कार लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन आगे एक लकड़ी का ब्रिज होता है जिस पर से गाड़ी नहीं जा सकती थी, इसीलिए उसको पैदल भागना पड़ता है। डेविड भी उसके पीछे भागता है और वो जाकर एक खड़ी शिप में घुस जाता है। डेविड भी उस शिप में घुस जाता है और उसकी पीठ पर गोली चला देता है, जिससे गैरिसन जमीन पर गिर जाता है। वो कहता है कि अगर तुम्हें गोली मारनी है तो मेरे सीने पर मारो, मैं कोई गद्दार नहीं हूं जो पीठ पर गोली खाऊंगा। डेविड उसके सीने पर दूसरी गोली नहीं मार पाता क्योंकि कभी वो उसका दोस्त था, जिसकी वजह से गैरिसन यहां से भाग जाता है और अपने दोस्त चार्ली के घर पर छुपने चला जाता है, जहां उसकी नजर बाहर खड़ी एक कार पर जाती है जो चार्ली के घर पर नजर रख रही है। गैरिसन के देखते ही वो कार वहां से जाने लगती है। गैरिसन अपनी कार से उसका पीछा करता है। कार के अंदर उस असैसिन का साथी होता है जो कार से निकलकर एक होटल में चला जाता है। वहां पर वो अपने बॉस को कॉल करके कहता है कि उस घर में गैरिसन नहीं था, जिस पर बॉस उससे कहता है कि जल्द से जल्द गैरिसन को ढूंढो और उसको खत्म करो। तभी उस होटल में गैरिसन आकर उस आदमी को मार देता है। उसे उसके रूम से बहुत सारे नकली पासपोर्ट और पैसे मिलते हैं। गैरिसन उस आदमी के फिंगरप्रिंट एक ग्लास पर लेकर वहां से निकल जाता है और डेविड को कॉल करके यहां आने को कहता है। वो बोलता है कि यहां उसे उसकी बेगुनाही का सबूत मिलेगा, पर जब डेविड वहां पहुंचता है तो वहां पर कुछ भी नहीं होता। गैरिसन फिर से एक कदम पीछे हो जाता है। वहीं दूसरी ओर लेडी सहरा डेविड को कॉल करके बुलाती है और उसे अपने और गैरिसन के अफेयर के बारे में बताती है, जिसके साथ वो उसे कहती है कि गैरिसन बेकसूर है, वो लाई डिटेक्टर टेस्ट भी सिर्फ इसी वजह से फेल हुआ था। अब डेविड को भी इस बात पर यकीन हो जाता है कि गैरिसन को फंसाया जा रहा है, वो गद्दार नहीं है। उधर प्रेसिडेंट को G8 समिट में ले जाने की तैयारी चल रही होती है क्योंकि ऐसे हालात में उनका वहां जाना जानलेवा है, लेकिन फिर भी मॉन्ट्रोज उनके वहां जाने के लिए सारी चीजें सेट कर देता है। इसी बीच गैरिसन भी एक सूट पहनकर एक लैब में घुस जाता है और उस आदमी के फिंगरप्रिंट को स्कैन करने लगता है। तभी वहां पर डेविड आ जाता है। वो उससे कहता है कि मुझे पता चल चुका है कि तुम बेकसूर हो। यहाँ डेविड और गैरिसन अब साथ मिलकर काम करते हैं। उन फिंगरप्रिंट से उनको पता चलता है कि जिस आदमी को गैरिसन ने मारा वो KGB का मेंबर था। इसी बीच हम एजेंट मॉन्ट्रोस को
उस असैसिन के बॉस के साथ देखते हैं और अब हमको पता चल जाता है कि असली गद्दार तो मॉन्ट्रोस है। ये सब पूर्व केजीबी के मेंबर हैं जिन्हें कोलंबियन कार्टल द्वारा प्रेसिडेंट को मारने के लिए हायर किया गया है। मॉन्ट्रोस भी उनके लिए काम कर रहा है, जहां बॉस उससे कहता है कि अगर तुम G8 समिट में प्रेसिडेंट को मारने में हमारा साथ नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे बीवी और बच्चों को मार दूंगा। तुम्हें बस प्रेसिडेंट को उनकी स्पीच के बाद नीचे टनल के रास्ते से लाना है और वहां के सारे रेडियो और फोन बंद करवाने हैं। जिसके बाद मॉन्ट्रोस प्रेसिडेंट और लेडी सैरा के साथ G8 समिट में पहुंच जाता है। उधर डेविड और गैरिसन को पता चल जाता है कि मॉन्ट्रोस ने लाई डिटेक्टर टेस्ट नहीं दिया है और वो ही गद्दार है। वो फौरन G8 समिट के लिए निकल जाते हैं। उधर नीचे के रास्ते पर असैसिन के लोग गन के साथ आने लगते हैं। इतने में ये दोनों भी G8 समिट पे पहुंच जाते हैं, जिनको देखकर वहां के सिक्योरिटी उनको रोक लेती है। डेविड अपना आईडी कार्ड दिखाते हुए उसको अंदर ले जाता है। इन दोनों के अंदर जाते ही G8 समिट के सभी एजेंट्स इन दोनों पर अपनी बंदूक तान देते हैं, लेकिन लेडी सैरा सभी एजेंट्स को ये कहकर रोक देती है कि ये दोनों हमारे साथ हैं, जिससे सभी लोगों का ध्यान इन दोनों पर से चला जाता है। मॉन्ट्रोस भी इनको देख लेता है। वो समझ जाता है कि शायद उन दोनों को उसके राज का पता चल चुका है, इसीलिए वो अपने प्लान के मुताबिक चलता है और प्रेसिडेंट को नीचे टनल के रास्ते से ले जाने लगता है। वो प्रेसिडेंट को ये कहकर यहाँ से ले जाने लगता है कि यहाँ खतरा है, आपको यहाँ से जाना होगा। तभी डेविड और गैरिसन प्रेसिडेंट को बचाने के लिए उनके पीछे जाते हैं। नीचे प्रेसिडेंट को मारने के लिए उस असैसिन की पूरी टीम होती है, जो प्रेसिडेंट को देखते ही गोली चलाने लगते हैं। मॉन्ट्रोस उनको बचाने की एक्टिंग करता है और उन्हें सभी एजेंट से अलग अपने साथ ले जाता है। उसकी हरकतों से प्रेसिडेंट समझ जाते हैं कि वो इन लोगों के साथ मिला हुआ है और गद्दार है। तभी गलती से उस असैसिन में से एक मॉन्ट्रोस को गोली मार देता है, जिससे मॉन्ट्रोस की मौत हो जाती है। इस बीच गैरिसन प्रेसिडेंट के पास पहुंच जाता है और उनसे कहता है कि वो उनको कुछ नहीं होने देगा। जैसे ही ये हल्का सा आगे जाते हैं तो एक असैसिन गैरिसन को गोली मार देता है, लेकिन डेविड समय से आकर उस असैसिन को मार डालता है और गैरिसन से प्रेसिडेंट को फौरन ऊपर ले जाने को कहता है, जहां चारों तरफ पुलिस होती है। लेडी सैरा और एजेंट टॉम भी वहां पर होते हैं। इसी भीड़ का फायदा उठाते हुए उन असैसिन का बॉस एक पुलिस वाले की आइडेंटिटी लेकर वहां पर पहुंच जाता है और लेडी सैरा को हॉस्टेज बना लेता है, लेकिन गैरिसन बिना देरी करे उसको गोली मार देता है, जिससे आखिरकार वो भी मारा जाता है। जिसके बाद सभी एजेंट्स आकर प्रेसिडेंट और लेडी सैरा को यहाँ से ले जाते हैं। अब इस घटना के कुछ दिनों बाद का हम सीन देखते हैं, जहाँ पर गैरिसन को लेडी सैरा के साथ अफेयर रखने के कारण सीक्रेट सर्विस से रिटायर कर दिया जाता है। वो सबसे मिलता हुआ और आंखों में आंसू लिए व्हाइट हाउस से बाहर निकल जाता है। लेडी सैरा भी उसको विंडो से देखकर दुखी हो रही होती है, जहाँ पर उसको डेविड मिलता है, जो फिर से उसका दोस्त बन चुका है, जिसके साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। वेल, इस कहानी में भी हमको यही सीखने के लिए मिला है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि सच्चाई कभी नहीं छुपती, वो एक ना एक दिन सामने जरूर आती है। गैरिसन के साथ भी यही हुआ, उसने हार नहीं मानी, जिस कारण से वो खुद को बेकसूर साबित कर पाया। वेल, इस पर आपकी क्या राय है आप हमको कमेंट करके जरूर बताना। बाकी फिलहाल तो आज के वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।